People in India don't want to talk about periods. In fact, the brand which makes sanitary pads in India is called Whisper. Sir, periods क्या होते हैं? Menstrual cycle. एक नंबर का नहीं, आठ नंबर का सवाल है, ठीक है? ये वाइवा का ज्ञान मत मेरे को इधर. देना चाहिए था अपन को स्कूल में सेक्स एजुकेशन, पीरियड्स का नॉलेज कुछ भी नहीं दिया. सारे लॉन्डे रिलेट करेंगे. जैसे अपन वेट करते थे एट क्लास एट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन, है ना. टीचर आएगी पढ़ाएगी, मजा आ जाएगा. फिर टीचर आके बोलती थी ये सब तुम घर से करके आना. पीरियड्स का नॉलेज ढंग से लड़कों को किसी को भी नहीं दिया यार. अगर मैं ऐसे रैंडमली किसी को पूछना चाहूँ, सर पीरियड्स क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक नंबर का नहीं, आठ नंबर का सवाल है, ठीक है? ये वाइवा का ज्ञान मेरे को इधर. मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यार, ये तो पता है. मेरे को भी नॉलेज नहीं था, और मेरी बड़ी बहन है ना, तो एक बार मैं वॉशरूम पे गया और वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड था, तो देख के ऑब्वियसली मेरी दिल गई. मैंने अपनी माँ को जाके बोला मम्मी वॉशरूम में थोड़ा सा ब्लड है. मेरी माँ ने बोला मेरा हाथ कट गया था. मैंने मेरी माँ का हाथ देखा तो मेरी माँ का हाथ नहीं कटा था. और ये तब का टाइम था जब मैं क्राइम पेट्रोल दस तक और गुमराह देखता था. पीरियड्स के बारे में दम देख रहे हो, लॉन्डो को भी बात नहीं करना. इन जनरल पीपल इन इंडिया डोंट वांट टू टॉक अबाउट पीरियड्स. इन फैक्ट द ब्रांड विच मेक्स सैनिटरी पैड्स इन इंडिया इज कॉल्ड विस्पर. दैट्स आयरनी राइट. आई जस्ट वांट गर्ल्स टू स्टे फ्री. मेरे को लगता है मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट ही पीरियड्स का बहुत गलत था, क्योंकि मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट कैसा देते थे कि लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, अगले दिन सैनिटरी पैड पहना, अगले दिन सीईओ बन गई. तो मेरे को लगता था क्लास में कृति टॉप इसलिए कर रही है क्योंकि मैं सैनिटरी पैड नहीं पहन रहा हूं. सेवेंथ क्लास में जब बच्चे बेबलेट के लिए लड़ते थे, मैं मेडिकल शॉप, मेरे को सैनिटरी पैड चाहिए यार, समझो. मम्मी कल सोशल साइंस का एग्जाम है यार, साइंस में तो तुम पढ़ा नहीं पाई संभोग, सोशल साइंस में तो सैनिटरी पैड चाहिए होंगे. बट चल आई आस्क यू वन क्वेश्चन. देयर इज अ स्टिकी पार्ट इन अ सैनिटरी पैड. डू यू नो वेयर इट स्टिक्स? यू डोंट नो वेयर. नहीं पता रहता लोगों को, है ना. एक बार मैं ऐसे पूछ रहा था तो एक लौंडा बोलता डूड इट स्टिक्स टू द वजाइना, इट्स वेरी ऑब्वियस. ये जो लड़कियां हंसी तुम समझ रहे हो, सात लौंडे यहाँ पे, हाँ तो ऑब्वियस तो है. इसमें क्या था, क्या लगी नहीं कर रहा है, बैंडेड का तो काम करता होगा, खून बह रहा है लगाने का. When I got physical with my girlfriend at the age of 22, that's when I figured out, oh, actually sticks to the undergarment, like that underwear. तभी तो success मिल नहीं रहा था बचपन में, गलत पहन के जा रहा था ना रोज. I think that's why on some level women never went to wars, because on some level they were already bleeding, right? It's very tough to even go through that period. Girls would agree. Just imagine Tipu Sultan अपनी wife को जाके बोले, ओए चल रही क्या मस्त? मस्त ही युद्ध करके आते हैं. And Tipu's like, are you kidding me, Tipu? Already, I'm on that period. Like, are you kidding me? तुम लोग लड़कों को और चोचले करने और खून जाके बहाना है, हम लोग को नहीं करना है ऐसा. And Tipu would like, don't worry, babe. It's just the mood swings. That's why freedom fighter बोलते हैं ना ऐसा कि तुम मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा. लड़के बोलते इधर आ. पाँच दिन आ. तू बता कितना चाहिए. और फिर आज़ादी दे जो 2022 में भी नहीं है लड़कियों के पास.